हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस खुशनुमा सुबह के साथ आप लोगों का स्वागत करती हूं मैं अर्चना सिंह सक्सेस मंच में। 28 और 29 मई की करंट अफेयर के साथ, 28 मई को बहुत ज़्यादा खास खबरें नहीं थी इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई कि बहुत कम खबरें होने की वजह से। तो आज मैं 28 और 29 दोनों की खबरें लेकर आई हूँ जो कि इंडिया से रिलेटेड है, इंटरनेशनल है, स्पोर्ट्स है, इकोनॉमिक्स, हर फील्ड से रिलेटेड खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड और हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन पूछा था आज का सवाल, तो उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है राजेंद्र सिंह ने, जिसका करेक्ट आंसर है अनिल कुंबले। तो आज का करंट अफेयर हम लोग शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से विनायक दामोदर सावरकर की जयंती कब मनाई जाती है? तो इनकी जयंती मनाई जाती है 28 मई को। विनायक दामोदर सावरकर एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 28 मई 1883 में तथा मृत्यु हुई थी 26 फरवरी 1966 को 82 वर्ष की उम्र में। तो ये आप याद रख सकते हैं, जन्म तो एटलीस्ट आप लोगों को याद रखना चाहिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हाल ही में किस देश की वायुसेना ने फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन अपनी सेना में शामिल किया है? तो ये शामिल किया है भारत ने, इंडिया ने शामिल कर लिया है। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा चौथी पीढ़ी का सुपरसोनिक विमान है। तो आप लोग ये याद रखेंगे, फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन LCA एक विमान है सुपरसोनिक। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। भारतीय सीमा समाधान केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है AK सीकरी ने। ये जो AK सीकरी हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति हैं और ये जो केंद्र है ये पूर्ण रूप से पेपरलेस है। इसमें सारा काम जो होगा वो ऑनलाइन होगा। इसके अलावा केंद्र ई वैकल्पिक विवाद समाधान के रूप में ऑफलाइन सुविधा भी प्रदान करेगा। वर्तमान की IDRC जो अध्यक्ष हैं वो हैं मेहर S. राठी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा विकसित ब्रीथेबल PPE किट, ये होगा यहाँ पर पर्सनल पोर्टेबल इक्विपमेंट किट का क्या नाम रखा गया है? जो भारतीय नौसेना द्वारा पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट होगा, प्रोटेक्शन जो कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बनाए गए हैं उसका ये किट का नाम है। तो भारतीय नौसेना ने विकसित किया है, इसका नाम है हमारा नवरक्षक। ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किट COVID-19 महामारी से लड़ाई का काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए बनाई गई है और ये किट बहुस्तरीय मनी किटों की अपेक्षा काफ़ी आरामदायक है। इस किट के माध्यम से स्वास्थ्य कर्मचारी गर्मी या सर्दी के रोगियों की 12-12 घंटे तक आसानी से इलाज कर सकेंगे। नेक्स्ट, इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज ये दे रही हूँ मैं कि वर्तमान में नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह है, तो आप ये याद रखेंगे। WHO ने खेलों के जरिए स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है इंडियन ओलंपिक कमेटी के साथ, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ ही समझौता किया है। और इसके अलावा COVID-19 से लड़ने की इन लोगों ने एक टीम भी बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भारतीय सेना की अधिकारी कौन से अधिकारी को UN सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है सुमन गावनी के लिए। ये दक्षिण सूडान में तैनात रही थी और भारतीय सेना की अधिकारी हैं ये। इनको हाल ही में UN सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है और ये आप याद रखेंगे, सुमन गावनी इस सम्मान से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले मानव युक्त अंतरिक्ष गगनयान मिशन के लिए चुने गए कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने रूस में दोबारा प्रशिक्षण लेना शुरू किया है अभी? तो COVID-19 की वजह से ये प्रशिक्षण कार्यक्रम रुक गया था, तो अब ये दोबारा शुरू हुआ है। तो ये हुआ है 4 यात्रियों के लिए। पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने रूस से दोबारा प्रशिक्षण लेना शुरू किया गया है। कोरोना वायरस की वजह से इसे बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
किस हाई कोर्ट ने विशाखापट्टनम के एलजी पॉलीमर संयंत्र से गैस की लीक घटना होने के बाद एलजी पॉलीमर्स की इमारत को पूरी तरह सीज करने का आदेश दे दिया है? तो ये दिया है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने। तो हाई कोर्ट में विशाखापट्टनम के एलजी जो है पॉलीमर संयंत्र के गैस लीक घटना होने के बाद एलजी पॉलीमर्स की इमारत को पूरी तरह सीज करने का आदेश दिया है। इस एलजी पॉलीमर संयंत्र में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समितियों के अलावा किसी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना मरीजों पर किस बीमारी की दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का परीक्षण करने पर रोक लगा दी है? तो हाइड्रोक्लोरोक्वीन जो दवा है वो मलेरिया की दवा है और कोरोना को इसके प्रशिक्षण पर विश्व बैंक ने रोक लगा दी है। WHO ने दवाइयों के ट्रायल में शामिल लोगों के डाटा और परीक्षण करने वाले बोर्ड की समीक्षा के बाद HCQ का परीक्षण अस्थायी रूप से बंद करने का यहाँ पर फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार धाम की यात्रा को सुखद बनाने के लिए किस राज्य में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने चंबा के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग बनाई है? तो ये बनाई है उत्तराखंड राज्य ने, क्योंकि जो यात्रा है चारधाम की ये उत्तराखंड राज्य से ही भी होके जाती है। तो इन्होंने चंबा के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग बनाई है। इस सुरंग से जो चारधाम की परियोजना है उसको बढ़ावा मिलेगा और इस सुरंग का कार्य जल्द ही पूरा होने की पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फेसबुक ने हाल ही में कौन सा नया वीडियो कॉलिंग ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है कैचअप। इसका ऑप्शन पे किसी का भी ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन हाँ जी इसका आंसर है कैचअप। कैचअप लॉन्च किया उन्होंने जो बिना फेसबुक अकाउंट के काम करेगा और ये एक ऐप के में एक साथ 8 यूज़र वीडियो कॉलिंग इसमें कर पाएंगे और ये आपको ये भी बता देगा कि यूज़र जो है वीडियो कॉल के लिए उपलब्ध है भी या नहीं उपलब्ध है। तो फेसबुक ने ये नया वीडियो कॉलिंग ऐप कैचअप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेब्यू वनडे में हैट्रिक विकेट किस देश की टीम के तेज गेंदबाज शिहान मधुशनका को बोर्ड ने निलंबित कर दिया है? तो ये जो है शिहान मधुशनका ये है श्रीलंका क्रिकेट टीम के। इनको ड्रग्स के आरोप में हिरासत में लिए जाने पर बोर्ड ने निलंबित कर दिया है और बोर्ड ने उन्हें क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से बैन करने का भी फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस देश को हाल ही में $60 लाख की मदद देने की घोषणा की है? तो ये जो अमेरिका ने घोषणा की है ये की है पाकिस्तान देश के लिए। पाकिस्तान के लिए अमेरिका ने $60 लाख देने की घोषणा की है। इस धनराशि से स्वास्थ्य कर्मियों को और प्रशिक्षण दिया जाएगा और अस्पतालों में कोरोना वायरस संक्रमण की गंभीर हालत वाले मरीजों की देखभाल भी की जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही करंट अफेयर। तो आज का मैं आपको सवाल देती हूँ, ये क्वेश्चन मैं पहले पूछ चुकी हूँ कि किस राज्य ने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा H1N1 का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उसको मैं यहाँ पर शो करूँगी अपने चैनल पे अपने वीडियोस में। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपसे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर एक बार सर्च करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।